किसान भाइयों, किसी भी फसल में खरपतवार उस फसल की पैदावार को बहुत प्रभावित करता है और बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों की लागत बढ़ जाती है और किसान भाइयों का मुनाफा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं में कौन कौन से खरपतवार आते हैं और इसका इलाज क्या है? किसान भाइयों, गेहूं में खरपतवार हमारे द्वारा डाले गए खाद को गेहूं के पौधों से पहले खा लेते हैं और गेहूं को दबा देते हैं, जिससे गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान होता है और हमारी लागत बढ़ जाती है और हमें फायदा नहीं मिल पाता। तो किसान भाई, ये चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आपको ऐसी ही जानकारी यदि चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय को जरूर दीजिएगा। किसान भाइयों, गेहूं में मुख्य रूप से दो प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला सकरी पत्ती का खरपतवार और दूसरा चौड़ी पत्ती का खरपतवार। सकरी पत्ती का जो खरपतवार होता है उसमें गुल्ली डंडा और जंगली जई, ये दो मुख्य रूप से होते हैं। और जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उसमें मालवा, चटरी मटरी, जंगली मेथी, जंगली पालक, बथुआ, कृष्ण नील, कटहली, मकोल, लपेटुआ आदि प्रकार के खरपतवार अपने आप पैदा हो जाते हैं, जो गेहूं की फसल की पैदावार को 30-50% तक नुकसान पहुंचाते हैं और किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि गेहूं में खरपतवार को कैसे रोका जाए। सकरी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए क्लोडिनोफास प्रोपर गिल 15% WP 160 ग्राम प्रति एकड़ में 120 से 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देने से सकरी पत्ती के सारे खर खत्म हो जाते हैं। किसान भाइयों, ये दवा दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब बात करते हैं चौड़ी पत्ती के खर को कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए किसान भाइयों, कारपेंट्राजोल इथाइल 40% DF इसकी मात्रा 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में स्प्रे कर देने से चौड़ी पत्ती के सारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, मार्केट में यह दवा इफिनिटी या नाबूत नाम से मिल जाती है। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में सकरी पत्ती एवं चौड़ी पत्ती दोनों खर मौजूद हैं तो आप दोनों दवाओं को एक साथ मिलाकर प्रयोग कर दें, सारे खर चले जाएंगे। किसान भाइयों, ये दवा गेहूँ की सिंचाई से एक हफ्ते के बाद प्रयोग करना है, तभी खरपतवार की दवा काम करती है, जब आपके खेत में सीलन रहती है, आपके खेत में नमी बनी रहती है। किसान भाइयों, ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय को जरूर दीजिए, जिससे कि हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।